इस सरकार बेनिकम्मा है, इस सरकार गरीबों को मारने वाला है, इस सरकार गरीब पर खून चूसने वाला है, इस सरकार गरीब का नीतीश कुमार इतना खत्म आदमी है क्या बताया सर। उनको पप्पू यादव को हम लोग बहुत चाहते हैं, इसके आगे क्या बोले। सुनिए चाचा एगो बात बताइए, सुनिए एगो पहले हमारे बतावा बतावा कि अगर एथी रहते हैं बाकीपुर से उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा पानी में पूरा वो बाटे थे बारदार में तो कहाँ जीत गए, कहाँ आप लोग वोट, उनको वोट मिला उनको वोट सब दिया, उनका वोट का पेटिया गप कर दिया तो क्या होगा। गोसियाल नहीं है, भूखे गोसियाल हैं समझे, भूखे आदमी तरफ रहा है भूखे। हम तो रिक्शा चालक हैं, गरीब आदमी हैं क्या करें, यानी भूखे हैं तब गुस्सा है जी। गरीबों के मसीहा कौन है? गरीब का मसीहा है पप्पू यादव, जो गरीब को खाना खिला रहे हर जगह घुस घुस के खिलाए, जेल में रहते हुए भी उनकी खाना बट रही है, उनको ना मसीहा कहा जागे। गरीबों का हम दर्द है। मेरा नाम पंकज पासवान, नाम हमारा मोहम्मद अख्ताब आलम नाम है। क्या बोल रहे हैं बोलिए, बोलना चाहते हैं। बैठा, बैठा, बैठा ना। पप्पू यादव ने गरीब का एक मसीहा है, है? जेल में रह के भी पप्पू यादव ने खाना खिला रहे हैं गरीबों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और बाहर में पप्पू यादव रहते हैं तो आओ सेवा, आओ सेवा उनका करते हैं गरीबों लोग का। बड़ा रंग डोंग पहले लगे थे, पहले भी पप्पू यादव ने पानी में घुस घुस के खाने खिलाए। वोटवा कहाँ मिला? वोट उनको मिला, कहाँ मिला, कहाँ जीते? चोरी हो गया, पेटी चोरी कर लिया सरकार, इससे बढ़ के क्या है। पप्पू यादव गरीब का एक मसीहा है, गरीब का एक मसीहा है। और बाहर रहते हैं तो गरीब का आओ मदद करते हैं। उनको पप्पू यादव को हम लोग बहुत चाहते हैं, इसके आगे क्या बोले। सुनिए चाचा एगो बात बताइए, सुनिए एगो पहले हमारे बतावा बतावा कि अगर एथी रहते हैं बाकीपुर से उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा पानी में पूरा वो बाटे थे बारदार में तो कहाँ जीत गए, कहाँ आप लोग वोट, उनको वोट मिला उनको वोट सब दिया, उनका वोट का पेटिया गप कर दिया तो क्या होगा। सरकारें घोटाला में कर दिया, पप्पू यादव को हराया, सरकार ही हराया, जनता उनको वोट खुशी से दिया था। नीतीश कुमार कहाँ घोटाला करते हैं, तो कहते हैं हम घोटाला नहीं करते हैं, वो सब घोटाला शासन चलाते हैं, सुशासन कुछ नहीं चलाते हैं। क्या बाकी पूरे स्कूल में जो खाना खिलाया जा रही है उस खाना को पहले जाके चेक करिए किस ढंग का खाना है, गाय भैंस के तरह खाना खिलाया जा रहा है बाकीपुर स्कूलों में। पहले तो कंट्रोलर वाली चावल खिलाई जा रही है, कंट्रोल वाला उस खिलाई जा रही है, एक चावल धुलाता नहीं है, वही में पानी गर्म करके डाल दिया जाता है, उसी को खिलाया जाता है, न आलू छिलाता है न आलू धुलाता है, एक पानी तो धुलाया उसी में डाल दिया। उस खाना खाता है आदमी तो पहले तो पेट मोड़ता है, फिर लेटरिन होता है, पैसा नहीं है दवाई लाने के लिए, यही सरकार खाना ही खिला रहा है, खाना खिला रहा है, यहाँ पानी पिया जाओ हुआ वो कोना पर पानी का पता नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, टंकर का पानी है, पानी गर्म है, जाके जांच करिए, बगल में जांच करिए किस ढंग से खाना खिलाया जा रहा है। इस सरकार बेनिकम्मा है, इस सरकार गरीबों को मारने वाला है, इस सरकार गरीब पर खून चूसने वाला है, इस सरकार गरीब का जानलेवा है, जानलेवा सरकार है, किन्नी बेचने वाला सरकार है, या कुछ सरकार नहीं करेगा। आज सरकार अच्छा रहता इतनी गरीब फूट फाट के जो गरीब का मसीहा जो है सब खाना खिला रहे हैं, ये खाना नहीं खाता आदमी, उसकी व्यवस्था पहले करता है, सरकार को व्यवस्था नहीं किया है, सरकार सिर्फ यही सोच रहा है गरीबों को मारेंगे अमीरों को जिताएंगे। ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार है और कुछ नहीं बोल सकते, इसके आगे क्या बोल रहे। गरीबों के मसीहा कौन है? गरीब का मसीहा है पप्पू यादव, जो गरीब को खाना खिला रहे हर जगह घुस घुस के खिलाए, जेल में रहते हुए भी उनकी खाना बट रही है, उनको ना मसीहा कहा जागे। गरीबों का हम दर्द है, ये सरकार क्या हम दर्द किया, यही कीड़ा वाला चावल खिला रहे हैं, कंट्रोल वाली चावल खिला रहे हैं, गाय भैंस वाला चावल खिला रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। एक सब्जी बन रही है आलू का तो 10-20 दिन आलू बन रही है, परवल बन रही है तो सारा सारा परवल बन रही है, चना बन रही तो चना बन रही है, कंटिन्यू वही बना दे रहा है, रोज आलू परवल, रोज आलू परवल, रोज आलू क्या परवल फिर बन रही है,
परवर बिन पड़ रही है, पक्का परवर है, गलल परवर है जो गाय भैंस खाने वाला वो आदमी को खिलाया जा रहा है। भूख के आगे आदमी जानते हैं नमक में चाट के रोटी खाता है, वही खाना खिला रहे हैं। मैंने तो एक धूपा में लग गया लाइन से, घोर घर के अंदर घुसे धूपा में लग गया, जाइए तीन बार अंदर खाना खाने के लिए, ये भी बचता है। गर्म पानी मिल रहा है, गर्म पानी, गर्म पानी मिल नहीं रही है, टैंकरवा गर्म हो जाता है, टैंकर धूपा से गर्म हो गई, वही पानी मिल रही है, चार दिन की पानी मिल रही है। इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, हम चेक करेंगे, चेक करिए अभी जाके, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा, अभी चेक कीजिए, हम चेक करेंगे, जरूर चेक करिए। नम्मा का बता चुचा, नाम हमारा मोहम्मद अख्ताब आलम नाम है। अख्ताब आलम जी, रहे वाला कहाँ के हूँ? रहे वाले हम छगजी बाग के, सब्जी बाग। हाँ, बोल रहे थे पप्पी के बारे में? अरे हम बोल रहे थे थोड़ा जल्दी निकलवाइए, पब्लिक इतना जनता है, बोला है निकलने के लिए, नहीं निकलवाते हैं, बताइए। कितना आदमी बहुत बढ़िया आदमी थे, आप बताइए कौन कसूर में पिठा दिए, बताइए। 32 साल पुराना मामला में पिठाए हैं, 32 में निकलवाइए ना सर, देख रहे हैं उनको लिए कितना जनता एकदम तबाह है, बताइए। खाना बंटवाना है, खाना तो सब दिन बंटा रहा है, सब दिन 300 दिन बंटा रहा है, लेकिन जे चाहेगा इनके इनके नहित नहीं हो जाएगा सर, इनके जैसा नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा इनके नहित, हम नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार देखे, नीतीश कुमार तो आदमी गरीब तो मर रहा है, क्या अति होगा, नीतीश कुमार इतना ख़त्म आदमी है, क्या बताया सर, बताइए। आप गरीब रिक्शा चालक चाहे कोई भी हो, कमा कर ना खाता है। पटना के सड़कों पे पुलिस मार भी रहा है आप लोग को? मार रहा है तब ना, मारा है, एकदम मारा है, दो घंटा मारा है, यहाँ हवा ये कारगिल चौक में मारा है पुलिस जी, दो घंटा मारा है, मारा है। खाना क्या आम पब्लिक जो बांटता है वो बांटता है, वो नीतीश जी क्या बांटेंगे, खाली धर दिए बस हो गया, और क्या होगा, विकास पुरुष है वो। अरे वाह, देखिए एक बात बता है, वो जो जितना करते हैं ना उतना बोल देते ना, उतना बहनी कहाँ से कहाँ चल जाता, समझे। लेकिन अब क्या किया जाए। नम्मा कहाँ बा? मेरा नाम पंकज पासवान। घरवा कहाँ? घर के सुनार धर्मपुर, जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर के हुकुम? थाना ताजपुर, पटोरी, थाना पोस्ट पटोरी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सारा का पुल नहीं बनाता तो आप रिक्शा चलाते, बताइए। पहले नहीं चलता था, अगर मेरा गाड़ी बंद हो जाएगा, डीजल खत्म भेजेगा, पेट्रोल खत्म भेजेगा, तो यही पे ना आएंगे कि हाथी पर चढ़ेंगे, यही पे ना आएंगे, डीजल चाहे पेट्रोल खत्म भेजेगा तो कहाँ जाएंगे, कौन चीज से चढ़ेंगे। तो कहते हैं बड़का बड़का हम पुल बना दिए, इतना बना दिया वो दूसर बात है, लेकिन जो अभी जो रिक्शे ना चलता है और कोनो चीज चलता है। आपको कहाँ मारा था? कारगिल चौक, पुलिस वाला जी। इतना दिन आया, मान कर चलिए एगो बात बताते हैं, अगर डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आदमी कौन चीज से जाएगा, कौन चीज से आएगा, कौन चीज से जा सकता है, अंतिम यही ना है, इसे जहाँ भी जा सकता है। कमाई हो रहा है रोज? कमाई क्या होगा सर, खाते हैं बस 150 रुपया हो रहा है कमाई। अच्छा, ये सब आदमी यहाँ बैठल है, अगर पानी बरसेगा तो कहाँ जाएगा सर? वही बताइए, नीतीश जी के पूछे ना कहाँ जाएगा, ये गरीब सब कहाँ जाएगा, बताइए ना। अगर बारिश है पूरा तो पूरा गोसियाल है, गोसियाल नहीं है, भूखे गोसियाल हैं, समझे, भूखे आदमी तड़प रहा है, भूखे कह रहा है, खाने बांट रहे हैं, खाना यही में तो खिलाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, खाना के मतलब पप्पू यादव का कहाँ खोज रहे हैं? आदमी बहुत बढ़िया है, हाँ हम जानते हैं, आज से नहीं जानते हैं, अगर आता है बताइए। एक बार हुआ था, दो तीन बार हुआ है ना, पब्लिक कितना जुट गया था, उनको अथी में कितना आता है वो आपको पता होगा। किसके अथी में? नीतीश कुमार के जी, रैली उली में जी, पप्पू यादव के रैली में खूब भीड़ जुट गया, बहुत पूरा चारों पट्टी हो जाता है, पहुँच गया सर थानवा जी, पहुँच जाबे करता है। हम तो रिक्शा चालक हैं, गरीब आदमी हैं, क्या करें, यानी भूखे हैं तब गुस्सा है जी। बापू सभागार कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए तो आईना,
कितना बढ़िया बनाया है नीतीश कुमार बिहार का विकास। और ये देखिए बिहार का सच्चाई, ये है बिहार का सच्चाई, बिहार का ये बिल्डिंग और बिहार के ये लोग, ये बिहार का बिल्डिंग है और ये बिहार के लोग हैं। पटना के गांधी मैदान में जब रैली होता है ना तो 20-20 टैंकर जो है पानी आ जाता है, अभी दम बढ़िया बढ़िया पानी आ जाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन इन लोग को 4 दिन पुराना वाला पानी मिला है, जो पानी इतना धूप है गर्म होना लाजमी है। कह रहे हैं कि चावल मोटका खिलाते हैं, आलू कंट्रोल वाला, आलू परवल तो आलू परवल, आलू चना तो आलू चना, कंटिन्यू वही खिलाते रहते हैं। तो देखिए कि एगो सच्चाई है एक तरह का ही, कि विकास सही है, लोग फुट पर पानी भड़क जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोग, बताइए आप ही कहाँ जाएंगे पानी भड़क जाएगा तब, कहीं है छड़ झुपाने के लिए? बहुत बड़का इसमें 5-10 हज़ार आदमी का कैपेसिटी है इसमें बैठने का, लेकिन यहाँ बाहर कितना आदमी जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बिहार के विकास के बारे में बताइए, जो बड़ा बिल्डिंग है और जो इधर लोग बैठे हुए हैं। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए इसी प्रकार। और ये जो चाचा बोले हैं कि कंट्रोल वाला चावल मिला, वहाँ भी जाएंगे हम लोग चेक करने। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।